आपने अगर ये एमसीक्यू सीरीज के बाकी सारे वीडियो नहीं देखे तो जल्दी जाके देख लीजिए बिकॉज के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज में तो आपका ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करेंगे राइट तो इसी के साथ क्वेश्चन इज आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कॉन्स्टेबल कोलन राइफल डबल कोलन फार्मल कोलन क्वेश्चन मार्क अब इन दोनों के बीच में रिलेशन है सेम रिलेशन आपको यहाँ अप्लाई करना है आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन बन रहा होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखो कांस्टेबल अपनी ड्यूटी करने के लिए क्या यूज करता है राइफल का यूज करता है सिमिलरली फार्मर अपना काम करने के लिए या क्या यूज करता है फार्मर अपना काम करने के लिए स्पेड का यूज करता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पेड फार्म तो किसी भी एंगल से नहीं होगा नीडल सुई सुई यूज करता है क्या नहीं लैंड भी नहीं होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पेस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगेन ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा नंबर टेस्ट नंबर सीरीज वाला भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं फाइव कोलन वन ट्वेंटी फाइव डबल कोलन सेवन कोलन क्वेश्चन मार्क् और वन ट्वेंटी फाइव के बीच में जैसा रिलेशन है सेम रिलेशन आपको सेवन के लगा करके मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप फाइव का क्यूब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा अगर आप सेवन का क्यूब करेंगे तो

आपको दो कंक्लूजन दिए हुए हैं बताना है कि कंक्लूजन वन सही है कि कंक्लूजन टू सही है कि दोनों सही है कि दोनों ही गलत है कंक्लूजन वन बसेस एंड कंक्लूजन टू इज सम बसेस आर चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा देखो सबसे पहले तो आपको बोल दिया सम बसेज आर फोर व्हीलर और बाद में बोल देता है ऑल फोर व्हीलर आर वैन तो ऑल फोर व्हीलर आर वैंस का वेन डायग्राम ऐसा बन जाएगा क्योंकि फोर व्हीलर और वैन्स के बीच में कंप्लीट रिलेशन है अब आपका वेन डायग्राम बन गया अब आप रिलेशन निकाल सकते हैं क्या रिलेशन सम वैंस आर बसेस क्या कुछ कुछ वैन्स uh, ऐसे भी हैं जो बसेस भी हैं क्या कुछ कुछ वैन्स ऐसे भी हैं जो बसेस भी हैं हाँ मैम ये तो सही है तो ये ट्रू हो जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट इज समझ कुछ, -कुछ बसेज ऐसी हैं जो वैंस भी हैं? हाँ मैम ये भी सही है तो बोध स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोध कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो आई होप एवरीबडी चलिए सिलोज का और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा एंड क्वेश्चन नंबर फोर स्टेटमेंट दिया स्टेटमेंट दिया बेसिस पे दो कंक्लूजन दिए हुए हैं क्या क्या है मैडमुजन पहला कंक्लूजन है सम फार्मर्स आर मिनिस्टर्स एंड सेकेंड कंक्लूजन इज ऑल मिनिस्टर्स

फॉल्स तो हमारा आंसर आ जाएगा ओनली कंक्लूजन ऑप्शन नंबर ए ओनली कंक्लूजन आई होप क्लियर चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ऑफ सिलोजिस आपके क्वेश्चन आपके, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा एंड द क्वेश्चन इज दो स्टेटमेंट दिया हुआ आपको ऑल चिल्ड्रन आर स्टूडेंट्स एंड देन ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेयर सबसे पहले तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कैसे ऑल childrens आर स्टूडेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेयर तो एक के अंदर एक के अंदर एक बनेगा क्यों क्योंकि कंप्लीट रिलेशन है यहाँ अब आपको पूछ रहा है कि ऑल प्लेयर्स आर स्टूडेंट क्या सारे ही प्लेयर्स स्टूडेंट हैं क्या सारे ही प्लेयर्स स्टूडेंट हैं नहीं मैडम कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट नहीं है तो फर्स्ट वाला तो फॉल्स हो गया सेकेंड वाला ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेयर क्या सारे ही स्टूडेंट्स प्लेयर हैं? यस तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस आई होप एवी और ये एमसीक्यू सीरीज है तो ये थोड़ी फास्ट है वाई बिकॉज हमने ऑलरेडी पूरी रेगुलर दो महीने की क्लास कर चुके हैं डेढ़ महीने की उसके बाद हम रिविजन क्लासेस भी कर चुके हैं दस पंद्रह दिन का तो इतना सारा करने के बाद अब ये जो एम सी क्यू है एकदम फास्ट हो जाएगा बिकॉज ये वन डे बिफोर एग्जाम है तो आई होप आप लोगों को ये मदद करेगा एग्जाम में क्विक रिविजन करने के लिए और अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट समझने के लिए राइट तो इसी के साथ हमारा आज का दो टॉपिक कंप्लीट होता है सिलोजिज्म एंड एनोलॉजी बाकी के बाकी के जो टॉपिक्स बचे हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग के वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में राइट अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है प्लीज डू लेट मी नो ओवर एनी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ट्विटर टेलीग्राम एनी वेरा शो लिट आई टू क्लियर योर डाउट्स विद दिस दिस इज इशिक साइनिंग ऑफ टेक केयर बाय बाय